वो ए कैमरे रे ब्लॉग में आने का है तुमको, मेरे ब्लॉग में आने का है हाँ कि नहीं? हाई फाइव, हाई फाइव। गिरफ्तार नहीं, चलो थ्री ए ब्रेक, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, टू वन ब्रेक, थ्री टू वन ब्रेक। यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, नज़ारा देखो बस। Amazing, amazing. Ta-da. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। फिलहाल आज है 6 फरवरी, कल था सरस्वती पूजा 5 फरवरी को, आज है 6 फरवरी एंड आज हम लोग निकल रहे हैं संडे राइड पे। निकलने का प्लान था बट चलो संडे राइड बन गया संडे ट्रिप। एंड अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 4:59, मतलब ऑलमोस्ट 5 बजने को है एंड वी आर ऑल सेट, मतलब पूरा तैयार हो गए हैं, जस्ट सेफ्टी गियर्स पहनना बाकी है। एंड ये रहा शाश्वत भैया का बैग, ये अपना बैग, ये खुद शाश्वत दादा, ये शाश्वत के नए गियर्स, राइडिंग गियर्स, ये अपना हेलमेट, ये शाश्वत भैया का हेलमेट, दोनों हेलमेट हमने क्लीन कर लिया है। एंड आज का जो सराउंडिंग है ये थोड़ा चेंज लग रहा है क्योंकि आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ, आज मैं हूँ शाश्वत भैया के घर पे, तो इसीलिए कल रात को ही मैं यहाँ पे आ गया था स्टे ओवर करने, क्योंकि एक साथ निकलने से क्या होता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइम पे निकल पाते हैं एंड सेकेंड ऑफ ऑल ईजी हो जाता है आपके लिए, अगर आप दो राइडर्स राइड कर रहे हैं एक साथ तो ईजी हो जाता है आपके लिए, यू नो, जल्दी से गियर्ड अप होना एंड दिस एंड दैट। सो इसीलिए मैंने सोचा कि स्टे कर जाते हैं। एंड अभी तक आँख से नींद गया नहीं है प्रॉपरली, अभी थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है बट चलो ऑलमोस्ट अराउंड हम लोग सुबह के 4 बजे उठे तो ऑल इन ऑल अराउंड 4 से 5 घंटे का नींद सिर्फ कम्प्लीट हो पाया है। आई जस्ट होप राइड पर कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड हियर वी आर, निकल चुके हैं एंड अभी भी अंधेरा अभी भी कायम है। यशोदा कैसा लग रहा है? चलो जी, फाइनली हो रहा है। एग्जैक्टली, मतलब प्लान था पुरुलिया जाने का बहुत पहले से। तो सुबह के बज गए ऑलमोस्ट 6:16 एंड हम लोग निकल पड़े रिफ्यूलिंग करने के बाद। चलो जी, ये तो चार दिए। हाँ, यार तू तो आवाज़ आ रही है ज़्यादा इस तरह। होंडा गोल्ड विंग, वाओ, अपने कोलकाता में होंडा गोल्ड विंग मैंने पहली बार देखा है। जो भी है, अभी निकल गए तो इसलिए रुका नहीं, वरना आपको अच्छी तरह दिखा था। खैर जो है सर, चलो निकलते हैं वरना लेट हो जाएंगे हम लोग। उतारना पड़ेगा बॉस, क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा भारी हो रहा है भाई। ये वाला बैग रिसेंटली मैंने अमेजन से परचेज किया है, 45 लीटर्स का मल्टी यूटिलिटी बैग है एंड इसमें ऑलमोस्ट मेरा सारा चीज़ें आ गया, मतलब कैमरा से लेके लैपटॉप से लेके चार्जर से लेके कपड़े। एंड विंटर के टाइम पे ज़्यादा यू नो ज़्यादा कपड़े का अमाउंट ज़्यादा होता है क्योंकि वुलन क्लॉथ रहता है, तो इस हिसाब से बहुत अच्छा, मतलब
वन स्टॉप सोल्यूशन हो गया मेरे लिए, बस एक ही बैग है एंड दिस इज परफेक्ट। ये था वहाँ पे हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफली हम लोग टेंट्स पे रहने वाले हैं। इस बार ये थोड़ा सा एडवेंचर होने वाला है, टेंट्स पे रहेंगे होटल पे नहीं। तो अगर हम लोगों को पिलोज नहीं मिलता तो उस वजह से ये वाला चीज़ जो है मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। एंड ये एक छोटा सा पाउच है जो इस बैग के साथ ही आता है, जो इस बैग के साथ ही आता है। तो उसमें वॉलेट्स वगैरह ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, पेपर बाइक के पेपर्स दिस एंड दैट, इट इज़ व्हाट इट इज़। अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं शाश्वत भैया का, शाश्वत भैया ऑन द वे है, उनको बोला था यही पे हम लोग रुकेंगे। ओके सर, सर ब्रेकफास्ट हमने कर लिया यहाँ से, शाश्वत चलो हाफ वे डन, अभी और जाना है। तो हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो जगह है पहाड़ों में, हम लोग अभी पहाड़ों में जा रहे हैं, पहाड़ों के बीच से हम लोग गुजरेंगे। सो प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप एंड ये मेरा पहला पहाड़ वाला एक्सपीरियंस होने वाला है। सो बिग होप्स, कोट अनकोट बिग होप्स, लेट्स सी कैसा क्या होता है, नहीं होता है। एक्सपेक्टेड नहीं था यार इतना अच्छा रोड मिल जाएगा हम लोगों को। ये वो देखो पहाड़। एंड शाश्वत भैया अपना देसी गोप्रो लगाने वाले। चलो आप लोगों को थोड़ा सा देसी गोप्रो दिखाते हैं। गोप्रो मैं बोल रहा क्यों, मैं क्या हो गया मुझे। मैं गोप्रो क्यों बोल रहा हूँ। देसी गोप्रो फिट करेंगे अभी शाश्वत भैया। सो अभी कुछ फोटोज खींचे हम लोग इस खूबसूरत से जगह पे, एंड सारा जो फोटोज़ हम लोग इस ट्रिप पे खींचने वाले हैं वो तो सारे फ़ोटोज़ आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे नीचे आ रहा होगा ऑफ बीट ट्रेवल्स, जाओ जाके फॉलो करो। एंड आप लोग एक बार शाश्वत भैया का देसी गोप्रो वाला जुगाड़ एक बार दिखाते हैं। ओए होए लड़ा हो ये शाश्वत भैया का देसी गोप्रो। এখানে আশেপাশে পেট্রোল পাম্প কোথায় পাবো এইদিকে যেতে গেলে? পেট্রোল পাম্প? হ্যাঁ, এটা দিয়ে সোজা যান, সোজা গিয়ে একটা সোজা রাস্তা, এটা ডান দিকে, ডান দিকটা দিয়ে যাবেন গিয়ে একটা মোড় পাবেন। হ্যাঁ, মোড়ের আর একটু ডান দিকে গিয়ে ওখানে জিজ্ঞেস করে একটা চৌমাথার মোড়, তার ওখানে জিজ্ঞেস করে। আচ্ছা, ওটা দিয়ে সোজা গেলে আপনি টাটা রাস্তা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, पुरुलिया टाउन घुस चुके हैं। पेट्रोल पंप पे रिफ्यूल करके निकल जाएंगे सीतारामपुर। यहाँ पे आधे लोगों को सीतारामपुर पता नहीं है, कमाल है। मैंने भी एक भी मोटो व्लॉगर्स या फिर ब्लॉगर्स को नहीं देखा सीतारामपुर की तरफ एक्सप्लोर करते हुए। ज़्यादातर लोगों को देखा पुरुलिया, मतलब टाउन में आके ही कहीं पे होटल में लेके स्टे कर जाते हैं, उसके बाद आसपास अयोध्या हिल्स मार्बल लेक ऐसे घूम लेते हैं। तो हमारा थोड़ा प्लान जो है थोड़ा ऑफ पीक है, प्लान ऑफ बीट है ऑफ बीट ट्रेवल्स के चैनल पे। अगर रैंडम सा एक शॉट आ गया था तो बस पग डाला बिना कुछ थोड़ी करते। यहाँ
जो रोड है मेरे को लग रहा है रोड टू हेवन है ब्रो। एंड इसी पहाड़ या तो इस पहाड़ या तो उस पहाड़ पता नहीं कहाँ पे है, अपना आसपास ही है, मतलब ऑलमोस्ट 6.5 किलोमीटर्स रह गए है हमारा स्टे जो है। होए 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 भाई साहब क्या है भाई, यहाँ से क्या ऑफ रोडिंग करके उठना पड़ेगा। ओ ओ ओ ओ दिस इज चेरी ऑन द केक, चेरी ऑन द केक। चलो ऑफ रोड ट्रेल है अपना वो। अभी मेरे को आसपास जो भी देख रहा है सब कुछ अच्छा लग रहा है, चाहे वो कितनी बार भी अपने लाइफ में क्यों ना देखे। This is one hell of experience, भाई। भाई साहब क्या है ये जगह, भाई next level ऑफ रोडिंग यार। अरे ये तो अपना प्ले ग्राउंड है। ओ, 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 ओ. क्या जगह है यार, थोड़ा सा सावधानी से चलाना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ ऑफ रोड नहीं है बल्कि बहुत सारे पत्थर है, क्योंकि अगर बाइक एक बार गिरा तो बाइक पे बहुत अच्छा खासा डैमेज हो जाएगा। अगर गिरा बाइक देन डिसबैलेंस होके देन क्या हुआ। दाड़ा सामने का देखें, 3 2 1 3 2 1 अरे एक बार दाड़ा ग्रिप तो नहीं, चलो 3 ए ब्रेक मारो हां सामने ब्रेक तो धरे रखो, जखन 3 बोलबो तखन ब्रेक तो छेड़े देबे आबार ब्रेक धरे नेबे सामने ब्रेक। ओके 3 2 1 ब्रेक, हां 3 2 1 ब्रेक। এসো ঠিক আছে বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে চলো। সশ্রদ ভাইয়া মতলব পডল পে গিরনে ওয়ালে থে সহি টাইম পে ব্রেকিং বগেরা কর লিয়া, বরনা ওয়াহাঁ পে ইয়ে জো কিচড় হ্যায় না ইয়াহাঁ পে আগর একবার বাইক কা টায়ার ফাঁস গিয়া তো ভাইয়া জি চাপ হ্যায়। ये नीचे से भी एक रोड है तो, बट वहाँ पे उठने वाला सेक्शन कितना कैसा क्या है वो नहीं पता, इसलिए जा नहीं रहा उस साइड पे। खड़े हो जाओ आराम से एंड चलते बनो। भाई 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 ये क्या है। आज तो कुछ एडवेंचर हो रहा है भाई, मतलब पिछले वाली का जयपुर फॉरेस्ट वाला जो एडवेंचर था वो फेल इसके सामने भाई। ये तो भैया जी थंबनेल स्पॉट है, यहाँ पे थंबनेल लेंगे अपन। अमेजिंग अमेजिंग भाई साहब, थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि बीच बीच से पत्थर उठ रहे हैं। मेरे को अपना जो बेस्ट प्लेट है वो बेस्ट प्लेट डैमेज नहीं करवाना, बस उसी का डर है, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। क्या जगह है भाई, क्या जगह है, क्या रोड है, मतलब जितना आप लोगों को
देख के मजा आ रहा है, मेरे को भी देख के मजा आ रहा है, पर इस पे राइड करना उतना ज्यादा टफ है। थोड़ा सा थ्रॉटल, थोड़ा सा गियर डाउन एंड गो गो गो, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बट एक बात है दोस्तों, जब आप पहाड़ पे ड्राइव या फिर राइड कर रहे हो ना, तब जोश जोश में होश नहीं खोना। अभी मेरे अंदर जोश तो है पर होश नहीं खो रहा हूँ, लिमिट पे जोश ही, अपना जो जोश है उसको बाहर निकाल रहा हूँ। चलो जी थ्रॉटल दो, थ्रॉटल दो, थ्रॉटल दो। सीतारामपुर ट्रैवलर्स एंड बाइकर्स कैंप, ये है अलाफिया का ट्रैवलर्स एंड बाइकर्स कैंप ऑफ सीतारामपुर। चलो जी पहुंच गए, एंड दीज आर द टेंट्स। तो बहुत स्पेशियस है, आराम से तीन लोग यहाँ पे रह जाते हैं, तीन जने जने इनफ स्पेस, एम्पल स्पेस। एक लोटे दिया था हम तो हटा पूरे आज के 2000। सो यहाँ पे अभी राइड तो बहुत सही था, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 350 प्लस किलोमीटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से। एंड यहाँ पे मतलब लिटरली पहाड़ों के बीच में हम लोग हैं, हम लोग लिटरली किसी पहाड़ के ऊपर है। एंड यहाँ पे ये वॉच टावर है, पहले एक बार इस वॉच टावर के ऊपर जाते हैं। चलो वॉच टावर पे हैं ना, এখন যাবি একবার দেখি দেখি না তুই আগে ওঠ ভেঙে ভেঙে না ও পুরা স্ক্যাম, মেরে সাথে স্ক্যাম হোনে वाला है, आई न्यू, बट पकड़ के उठेंगे। 100 किलो उठा जाते तो एकदम ठीक है, मैं खुद 75 का हूँ। हाँ ठीक है, चाप आज तो मज़ जन्नो, एक घंटा उठेगे ना, एक घंटा क्या बेटा शीडी देगी, किंतु गाचे डाले पारे के उठते हो। अगर टूटा भाई जो भी भेंगे चाहे विश्वास करो कि जो कोरात तक बहना था कौन जाने तो। ओ भाई सो अभी आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, नज़ारा देखो बस। मगर भैया जी यहाँ से नीचे देखने में बहुत डर लग रहा है, और ये जो चीज़ है लिटरली लिटरली ये चीज़ मतलब ऐसे 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 कभी कभी जब हवा आ रहा है ना तब ऐसे 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 हो रहा है, उसमें मेरे को थोड़ा डर सा लग रहा है, क्योंकि अगर गिर गया बॉस तो भैया जी यहाँ पे कोई नहीं है जो मेरा बाइक लेके वापस मेरे को घर छोड़ सके। तो अभी फ़िलहाल एक सेकंड हम लोग नीचे जाके बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा हूँ मैं। बस हवा निकल गई, डर सा लग रहा है अंदर से, धक 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 हो रहा है, तो नीचे जाके बात करते हैं। सो अभी बैक इन पजामा एंड क्रॉक्स, क्योंकि नहाना धोना ख़त्म, लंच करना ख़त्म, एंड यहाँ पे ऐसे बहुत सारे यू नो छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं, मतलब कोट माइलस्टोन्स जो बोलते हैं ना, वैसे टाइप के कोट माइलस्टोन्स मैंने देखा भी, नोटिस किया उनमें से। भाई तुम आ गए, यो बॉय। यहाँ पे एक जैसे शिवलिंग का मंदिर है, ज़्यादा दूर जाऊँगा क्योंकि जूता पहना हुआ हूँ, वहाँ पे लिखा है पॉजिटिव वाइब्स ओनली, आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा। वो मैं तो डर गई, बाप रे बाप, ये क्या मत कॉमन। फिर यहाँ पे एक और है, मतलब कोट माइलस्टोन्स जो है, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। फिर यहाँ पे एक और कोट है, व्हेन लाइफ गिव्स यू हिल पुट ऑन योर बूट्स एंड हाइक। ये देखो हमारे लिए क्या होगा,
हमारे लिए ये वाला क्या होगा, व्हेन लाइफ गिव्स यू हिल पुट ऑन योर गियर्स एंड राइड एंड राइड। वहां पे ब्यूटीफुल सनसेट, हेवी आनंद हो। अरे मेरा फोन है रे, ए ये सनसेट तो जन मिस हो गया, बेटा रखो तुम आगे। वो ए कैमरे ले रे, ब्लॉग में आने का है तुमको, मेरे ब्लॉग में आने का है हाँ कि नहीं? हाई फाइव, हाई फाइव। आदर कर रे, किंतु कावड़ा कावड़ी गोटा ही हो गया आदर। कल सुबह वो चीज होने वाला है जिसके वजह से हम लोग कोलकाता से पुरुलिया आए हैं, मतलब कि ऑफ बीट जो लोकेशंस हैं, जो मतलब यूजुअली लोग एक्सप्लोर नहीं करते, वैसे बहुत सारे लोकेशंस हैं जो हम लोग कल एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके सो ऐसा है, आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। अभी टेंट पे पूरा मतलब पूरा सील्ड एंड पैक्ड बैठे हुए हैं। यो ए ओ तो ये फुटेज जो है सारा ट्रांसफ़र करेंगे एंड खैर अभी तो जल्दी से, अभी थोड़ी देर पे अभी टाइम हो रहा है अराउंड 7:03, तो थोड़ी देर के बाद ही हम लोग डिनर करके सो जाएंगे। सो आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया देन लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। एंड कल का जो दिन है एंड कल का जो व्लॉग है वो धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि डे टू इज़ द अल्टीमेट डे अपने इस ट्रिप का। सो चलो मिलते हैं कल के वीडियो पे, कल के व्लॉग पे। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय।